श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय 8। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अष्टम अध्याय। राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। राजा परीक्षित ने कहा, भगवन आप वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश किया? एक तो अचिंत्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली हैं। दूसरे देवर्षि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। महाभाग्यवान शुकदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्तिरहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भाव में हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं और जैसे शरद ऋतु जल का गंदलापन मिटा देती है, वैस ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है, तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है, अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं? आपने बतलाया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना हुई। यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न सा वर्णन किया। यह क्या बात है? जिनकी कृपा से सर्वभूत में ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभिकमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही ये उनके रूप का दर्शन कर सके थे, वे संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्वांतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किसमें किस रूप से शयन करते हैं? पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? महाकल्प और उनके अंतर्गत अवांतर कल्प कितने हैं? भूत भविष्यत और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है? ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति त्रुटि आदि और स्थूल गति वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं? देव मनुष्य आदि योनिया सत्व रज तम इन तीन गुणों के फल स्वरूप ही प्राप्त होती हैं। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं? पृथ्वी पाताल दिशा आकाश ग्रह नक्षत्र पर्वत नदी समुद्र द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए, साथ ही महापुरुषों के चरित्र वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। युगों के भेद उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बतलाइए। मनुष्यों के साधारण
और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजर्षियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या है? भगवान की आराधना की और अध्यात्म योग की विधि क्या है? योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है? योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है? वेद, उपवेद, धर्म शास्त्र, इतिहास और पुराणों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होता है? बावली, कुआ खुदवाना आदि स्मार्त यज्ञागादि वैदिक एवं कामे कर्मों की तथा अर्थ धर्म काम के साधनों की विधि क्या है? प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है? आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है? भगवान तो परम स्वतंत्र हैं। वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं? भगवान, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। महामुने, आप कृपा करके क्रमशः इनका तात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में आप स्वयं भू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री शुकदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया, जो ब्राह्म कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान को ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडुवंशिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे, वे उन सबका उत्तर क्रमशः देने लगे।